मेरा नाम कायनात है और मैं केपीके की रहने वाली हूँ, पिशावर में रहती हूँ। और मैं टेबल टेनिस इंटरनेशनल लेवल पे खेलती हूँ। और मैंने टेबल टेनिस का आगाज़ अपने स्कूल से किया था, क्लास 7-8 से। तो मैं पहले इंटर स्कूल खेलती रही हूँ, इंटर स्कूल में मैंने गोल्ड मेडल लिया है। फिर मैंने इंटर कॉलेज में जाने के बाद इंटर कॉलेजेस खेला है तो उसमें गोल्ड मेडल लिया है। फिर मैंने इंटर यूनिवर्सिटी खेला है तो उसमें गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ। फिर मैंने आल पाकिस्तान इंटर यूनिवर्सिटी खेला है तो उसमें भी गोल्ड मेडल रही हूँ। फिर मैंने पाकिस्तान टीम के लिए ट्रायल्स दिए थे तो मैं पाकिस्तान टीम में सिलेक्शन हुई थी। तो मैंने बाहर के ममालिक में खेला है, श्रीलंका में खेला है, वहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल लिया है। इंडिया में खेला है, वहाँ पे भी ब्रॉन्ज मेडल लिया है। और श्रीलंका में भी, और पाकिस्तान में एक साउथ एशियन हुआ था वहाँ पे भी मैंने ब्रॉन्ज मेडल लिया है। और मैं खैर पख्तूनख्वा में 7 टाइम तक गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ। मैंने 7 टाइम चैम्पियन रही हूँ खैबर पख्तूनख्वा में। और मैं अब डायरेक्ट्रेट स्पोर्ट्स खैबर पख्तूनख्वा में कोचिंग भी कर रही हूँ, फीमेल बच्चों को ट्रेनिंग करवाती हूँ। और मेरे पास 20-25 बच्चे हैं जिनको मैं ट्रेनिंग करवाती हूँ, जूनियर्स बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों हैं। तो इसी तरह से अब आगे भी यही प्लानिंग है। और स्पोर्ट्स में आने का मतलब ये था कि मतलब मेरे ख्याल से बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ जो है वो स्पोर्ट्स में होना चाहिए। एक तो इंसान फिट रहता है और दूसरा स्पोर्ट्स फिटनेस के साथ साथ पढ़ाई भी अच्छे से होती है, बच्चों का माइंड भी रिलैक्स रहता है और वो अपने फ्यूचर में आगे बहुत कुछ कर सकते हैं और अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। और मैंने जब स्पोर्ट्स स्टार्ट किया था तो हम लोग रहते केपीके में, तो केपीके के लोग थोड़ा सा मतलब फीमेल को इतना स्पोर्ट्स में सपोर्ट नहीं करते। तो आसपास के लोग, फैमिली के लोग मतलब यही कहते थे कि ये तो लड़की है, और लड़की मतलब कैसे खेलेगी और स्टेडियम जाएगी और स्टेडियम का माहौल ऐसा है वैसा है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब मैं सारी लड़कियों को यही कहना चाहूँगी कि उनमें कोई भी टैलेंट है, चाहे वो स्पोर्ट्स में है या किसी भी चीज़ में, वो अपना टैलेंट आगे लाएं और अपने पेरेंट्स का, अपने मुल्क और अपने सूबे का नाम रोशन करें। लड़कियाँ सब कुछ कर सकती हैं, वो लड़कों के साथ मतलब शाना बशाना हो के अपने सारे काम, अपने सारी चीज़ें खुद करें। और मैंने स्पोर्ट्स इस वजह से मतलब अगर मैंने खेला, एक अच्छे लेवल तक खेला, तो मेरा यही प्लानिंग थी कि मैं आगे आके मतलब इसी को आगे लेके चलूँगी, इसी को मतलब अपने से जो मुझसे जो जूनियर्स हैं मैं उनको कोचिंग करवाऊँगी ताकि वो भी एक अच्छे लेवल तक पहुँचें। पहले पंजाब और सिंध और बाकी जितने भी सूबे थे वो केपीके से मतलब बिल्कुल उनको डर ही नहीं लगता था कि केपीके के बच्चों को कुछ आता ही नहीं है। लेकिन हम लोगों ने इतनी मेहनत की है कि अपने सूबे का नाम रोशन किया। अब अगर कोई केपीके से खेलने जाता है तो उनको लगता है कि वाकई ये मतलब कहीं से आए हैं और कोई खेलने वाले बच्चे हैं और प्लेयर है। तो इसी तरह जो भी बच्चे अपना मतलब इतना अच्छा लेवल तक खेलते हैं तो उनको चाहिए कि वो एक अच्छी मतलब जब उनकी गेम इतनी अच्छी हो जाती तो वो साथ साथ अपने जूनियर्स को भी ट्रेन करें और जूनियर्स को भी ट्रेनिंग दे ताकि आपसे आगे आपके पीछे जो बच्चे हैं वो भी सीखें और आगे आएँ। और मुझे स्पोर्ट्स में आना इसलिए सही लगा था कि मैंने एक तो इसमें अपना पूरा मतलब बहुत मेहनत की थी और सारा कुछ किया था। तो इस वजह से मेरा यही फ्यूचर मतलब यही प्लानिंग थी कि मैंने स्पोर्ट्स में ही आगे आना है। और अब भी आगे मैंने यही सोचा हुआ है कि मैं आगे इसको और भी साथ कोचिंग कोर्सेज करूंगी और आगे इसको ज़्यादा लेके चलूंगी साथ स्पोर्ट्स को। और मैं स्पोर्ट्स के बगैर भी साथ ऑनलाइन मतलब कोई भी ऑनलाइन छोटा मोटा कोई भी बिजनेस हो मैं साथ में वो भी करती हूँ। लेकिन उसके साथ साथ मैंने स्पोर्ट्स को भी रखा हुआ है, मतलब गेम को मैं टाइम देती हूँ, गेम की वजह से मैं फिट रहती हूँ। और एक अच्छा है मतलब अच्छा माहौल है हमारे पिशावर में, केपीके में टेबल टेनिस खेलते हैं, बाकी भी स्पोर्ट्स हैं, हमारे हॉल का बहुत अच्छा माहौल है और हम एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और बहुत अच्छा लगता है हम सबको खेल के। और मेरे जो जूनियर्स हैं जिनको मैंने ट्रेनिंग करवाई है माशाल्लाह से, अब वो भी इतना अच्छा खेलते हैं कि वो अपने सूबे उन्होंने जब खेला तो प्रोविंस के लिए वो गोल्ड मेडल लेके आए हैं और वो नेशनल लेवल में भी खेलते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके नेशनल की जो पाकिस्तान मतलब टेबल टेनिस की रैंकिंग है उनमें भी उनका नाम है। तो इसी तरह से मुझे बहुत खुशी होती है अगर मैंने बच्चों को टाइम दिया तो बच्चों ने भी रिजल्ट दिया। तो इसी तरह मेहनत करते रहेंगे और बच्चों को भी साथ मेहनत करवाते रहेंगे तो एक दिन वो भी एक अच्छे मकाम तक पहुंचेंगे और हमारी तरह इंटरनेशनल लेवल तक खेलेंगे और आगे जाएंगे और अपने सूबे का नाम रोशन करेंगे।